वेलकम टू व्हीकल इंडिया चैनल। दोस्तों, अगर आप एक 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर दो 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी को आपस में कॉम्पेरिजन किया गया है। सेम प्राइस के अंदर दो गाड़ी देखने को मिलता है, लेकिन एक गाड़ी फीचर्स वाइज में सबसे आगे है। तो आज हम कंपेयर करेंगे रिसेंटली लॉन्च हुई किया मोटर्स की सोनेट फेसलिफ्ट एसयूवी को, सामने रखा गया है हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट एसयूवी को। दोनों गाड़ियों के अंदर आपको सेम इंजन देखने को मिलेगा, लेकिन डायमेंशंस वाइज में दोनों गाड़ियां अलग है। डिजाइन वाइज में दोनों गाड़ियां बिल्कुल डिफरेंट रखा गया है, लेकिन सेफ्टी फीचर्स और इंटीरियर फीचर्स में कौन सी गाड़ी सबसे आगे है वो मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को लेकर। हुंडई वेन्यू के अंदर जो लेंथ रखा गया है 3995 मिलीमीटर के करीब रखा गया है, जबकि सामने किया सोनेट का लेंथ भी आपको 3995 मिलीमीटर के करीब देखने को मिल जाएगा। अगर वहीं ब्रिथ के मामले में बात करें तो हुंडई वेन्यू के अंदर 1770 मिलीमीटर के करीब रखा गया है, जबकि किया सोनेट फेसलिफ्ट का ब्रिथ 1790 मिलीमीटर के करीब आपको देखने को मिलेगा। हाइट के मामले में आपको हुंडई वेन्यू 1617 मिलीमीटर के करीब देखने को मिलेगा, जबकि किया सोनेट की हाइट आपको 1642 मिलीमीटर के करीब रखा गया है। व्हीलबेस की अगर बात करो तो हुंडई वेन्यू का व्हीलबेस 2500 मिलीमीटर के करीब देखने को मिलेगा, और सेम आपको किया सोनेट के अंदर भी सेम 2500 मिलीमीटर के करीब आपको व्हीलबेस देखने को मिल जाएगा। अगर वहीं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूं तो हुंडई वेन्यू के अंदर 195 मिलीमीटर के करीब आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल रहा है, जबकि किया सोनेट फेसलिफ्ट के अंदर 205 मिलीमीटर के करीब आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर बूट स्पेस की बात करो तो हुंडई वेन्यू के अंदर आपको 350 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा, जबकि किया सोनेट फेसलिफ्ट के अंदर आपको 385 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़े से माइनर चेंजेस रखा गया है डायमेंशंस को लेकर, जहाँ पे किया सोनेट थोड़ी सी आगे निकलकर चली जाती है और 19-20 का फर्क दोनों गाड़ियों के अंदर रखा गया है। लेकिन दोस्तों, अगर इंटीरियर फीचर्स के बारे में बात करें, लुक्स वाइज में बात करें, तो डिजाइन वाइज में दोनों गाड़ियों को बिल्कुल डिफरेंट रखा गया है। जहां आपको हुंडई वेन्यू के अंदर 8 इंच के इनपुट टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया जाता है, जिसके साथ एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले लेस है, वहीं किया सोनेट के सामने आपको 10.2 इंच के करीब इनपुट टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा इंटीरियर में, और ये डिस्प्ले भी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले जैसे कनेक्टिविटी फीचर से लेस है। इसके अलावा हुंडई वेन्यू के अंदर आपको रियर कैमरा ऑप्शन देखने को मिलता है, जहां आपको किया सोनेट के अंदर 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन हाँ, हुंडई वेन्यू के अंदर आपको डुअल डैश कैमरा का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आपको किया सोनेट के अंदर ये फीचर्स देखने को नहीं मिलता। लेकिन किया सोनेट के अंदर आपको रियर विंडो सनसेट एलईडी एम्बिएंट साउंड पुट लाइट सिस्टम का ये फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स है, जो कि आपको सेगमेंट के अंदर किसी भी गाड़ियों के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा हुंडई वेन्यू के अंदर नॉर्मल 6 स्पीकर साउंड सिस्टम देखने को मिलता है, जहां आपको किया सोनेट फेसलिफ्ट के अंदर बॉस के प्रीमियम 7 साउंड सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा किया सोनेट के अंदर फ्रंट वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आपको हुंडई वेन्यू के अंदर ये फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कई सारे ऐसे बेहतरीन फीचर्स हैं जो आपको दोनों गाड़ियों के अंदर सेम देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि दोनों गाड़ियों के अंदर एयर प्योरीफायर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, पुश स्टॉप बटन, इलेक्ट्रिक पावर ड्राइवर सीट, कनेक्टेड कार फीचर, लेदर सीट, ऑटो डिमिंग, IRVM, ड्राइवर आर्मरेस्ट, जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स लेस है। और साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर, यानी दोनों गाड़ियों के अंदर वायरलेस चार्जर, रेयर AC वेंट, ड्राइवर मोड जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स आपको दोनों गाड़ियों के अंदर कॉमन फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वहीं अगर दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर फीचर्स के बारे में बात करूं तो दोनों गाड़ियों का जो डिजाइन है टोटली डिफरेंट रखा गया। आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी गाड़ी का डिजाइन आपको लुक से सबसे ज़्यादा बेहतरीन और बेहतर लगता है, यानी कि कौन सी गाड़ी का रोड परचेज सबसे बढ़िया लगता है, उस गाड़ी को आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन दोनों गाड़ियों के अंदर आपको कई सारे कॉमन फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि दोनों गाड़ियों के अंदर आपको LED हेडलाइट्स का सेटअप देखने को मिल जाएगा, LED DRLs का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ दोनों गाड़ियों के अंदर कनेक्टेड कार LED 10 लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ दोनों गाड़ियों के अंदर इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM विद टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा शार्क फिन एंटीना, इलेक्ट्रिक सनरूफ, रियर वाइपर, 16 इंच के करीब डिफरेंट अलॉय व्हील एंड रियर डिफॉगर जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स आपको दोनों गाड़ियों के अंदर सेम कॉमन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आपको हुंडई वेन्यू के अंदर फ्रंट टायरों के साथ ही डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन आपको किया सोनेट के अंदर फ्रंट एंड रियर दोनों टायरों के साथ आपको डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
इसके अलावा आपको किया सोनेट के अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको हुंडई वेन्यू के अंदर ये फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा। तो ये माइनर चेंजेस रखा गया है दोनों गाड़ियों के बीच एक्सटीरियर डिजाइन को लेकर, एक्सटीरियर लुक्स को लेकर। लेकिन डिजाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी गाड़ी का डिजाइन आपको सबसे बढ़िया लगता है या कौन सी कंपनी आपको सबसे बेहतरीन लगती है। इसके अलावा दोनों गाड़ियों के अगर इंजन की बात करें तो दोनों गाड़ियों में आपको सेम इंजन देखने को मिलेगा, इंजन में आपको दोनों गाड़ियों के अंदर कोई भी डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। और ये 4 मीटर सबकॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर दो गाड़ी ऐसी है जिसके साथ एडास फीचर्स के साथ आपको कई सारे बेहतरीन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, वो मैं आगे चलकर सेफ्टी में बात करूंगा। लेकिन इंजन वाइज में दोनों गाड़ियों के अंदर 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया है और ये इंजन 82 bhp के करीब पावर और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि दूसरे इंजन के ऑप्शन में 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया है और ये इंजन 118 bhp के करीब पावर और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तीसरे इंजन के ऑप्शन में 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑफर किया गया है और ये इंजन आपको 114 bhp के करीब पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अगर इंजन सेम है तो माइलेज भी दोनों गाड़ियों का सेम रखा गया, तो माइलेज और इंजन में किसी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो दोनों गाड़ियों को खरीदने के लिए किसी एक पे आपका दिल आ रहा है तो वो गाड़ी आपको देखना पड़ेगा डिजाइन वाइज में कैसी है और फीचर्स कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर रही है। इंजन वाइज में देखोगे तो दोनों गाड़ियों को सेम रखा गया, माइलेज वाइज में दोनों गाड़ियों को सेम रखा गया है। लेकिन अगर वहीं आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो दोनों गाड़ियों का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, तो रेटिंग के हिसाब से कुछ भी कहना गलत साबित हो सकता है। लेकिन दोनों गाड़ियों के बेस मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको हिल होल्ड का भी फीचर्स देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का भी ऑप्शन दिया गया है। ABS के साथ EVD को भी रखा गया है सेफ्टी फीचर्स के मामले में और आइसोफिक्स चाइल्ड लॉक जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स सेफ्टी में शामिल है। साथ ही साथ गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक असेबिलिटी कंट्रोल, Level 1 ADAS फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको लेन कीपिंग असिस्टेंट, ऑटो इमरजेंसी ब्रेक, हाई बीम असिस्ट, TPMS जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स आपको सेफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको इन दोनों गाड़ियों में से सबसे ज़्यादा बेहतरीन गाड़ी कौन सी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और नए साल के साथ इन दोनों गाड़ियों में से आप कौन सी गाड़ी को परचेज़ करने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर आप कोई भी गाड़ी परचेज़ करने की प्लानिंग में हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि हम भी आपको कॉन्ग्रेचुलेसन बोल सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने तरफ से लाइक ज़रूर करना। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई चटपटी खबरों के साथ। उसके लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।